जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा के सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, एक समय ऐसा भी आता है कि हमारा घर और हमारा परिवार समस्याओं से गिर जाता है। जाने अनजाने अचानक इतनी समस्याएं आती हैं कि बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं और हमको समझ में भी नहीं आता ये काम कैसे हो रहा है। गलत निर्णय लेने लगते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। ये सब कारण जो होते हैं राहु और केतु के बिगड़ने की वजह से होते हैं। यदि राहु केतु हमें शुभ फल नहीं देते हैं और अशुभ फल देना प्रदान करते हैं, तब उस स्थिति में हमारे परिवार पर ये संकट आता है। राहु केतु किस प्रकार हमारे लिए शुभ फलदायी हो सकते हैं, एकमात्र उपाय से आज के वीडियो में मैं लेकर आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। राहु केतु हमारे अनुकूल नहीं है, इसके लक्षण क्या है? जब हमारा दिमाग सही निर्णय ना ले पाए, सही समय पर सही काम ना कर पाए, एक समस्या खत्म हो और दूसरी समस्या हमारे सामने आ रही हो, बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, आपस में लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हो, घर में बीमारी का आगमन हो गया हो और दुर्घटनाओं का सिलसिला चालू हो गया हो, तो आप समझ लीजिए कि राहु केतु जो है वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, यानी कि प्रतिकूल हो गए हैं, हमारे अनुकूल नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे काम होते हैं, हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। हम सोचते हैं अरे मैंने ये गलत समय पर सही समय पर गलत निर्णय ले लिया, अगर मैं सही निर्णय लेता तो मेरे सारे काम बच जाते। लेकिन वो निर्णय यहाँ से लिया नहीं जाता क्योंकि राहु उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं। हमारी सोचने की, सुनने की, सोचने की, बोलने की तीनों शक्तियां एक साथ इफेक्टेड हो जाती हैं और हम उस कार्य को सही प्रकार से कर नहीं पाते, बाद में पछताते हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं। इतनी उथल पुथल मचाता है राहु केतु हमारे जीवन में। अगर इनमें से कुछ ऐसे लक्षण है तो एक उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो कर लीजिए। ये इतना सरल और इतना साधारण है, लेकिन जितना सरल है उतना ही सटीक भी है और जबरदस्त भी है। करना क्या है आपको, अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में, वहां पर एक शीशी में थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा उसके अंदर कपूर रख कर खुला ही रख देना है। एक कांच की शीशी लेनी है आपको, कोई डिब्बी लेनी है आपको, उसमें थोड़ी अजवाइन थोड़ा सा कपूर डालकर उसको साउथ और वेस्ट आपको उस शीशी को रख देना है। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना, ये आप किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, और एक बार रख दीजिएगा, फिर 1 महीने बाद आप उसको चेंज कर देंगे। ये जो अजवाइन और कपूर आप रखेंगे, जो मैंने कॉर्नर आपको बताया है, ये जो कॉर्नर है आपका, ये राहु का कोना माना जाता है, राहु की दिशा मानी जाती है, और जब हम वहां पर अजवाइन और कपूर को रख देते हैं तो वो हमारा कॉर्नर स्ट्रांग हो जाता है, यानी से वहां पे वहां से जो राहु का वास है वो नहीं रहता है, जिस कारण हमारे जीवन में इस प्रकार की आने वाली समस्याएं दूर हो जाती है। और दूसरी बात, आपको ये अच्छी तरह मालूम भी है कि आजकल तो कोरोना का समय चल रहा है, तो वाइट कपड़े में अजवाइन और कपूर की एक पोटली बना दी जाती है, उसको समय समय पर सूंघने से ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। आप अपनी उसे बनाकर अपनी पॉकेट में रखेंगे तो आपका राहु भी शांत रहेगा, बीमारियां आपसे दूर रहेंगी, ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन राहु जो है वो शांत रहेगा और बीमारियां भी आपसे दूर रहेंगी। कभी समय मिले तो काले कुत्ते को दूध जरूर पिला दीजिएगा, या काला सफेद कुत्ता, अगर आपको कमरा जो कुत्ता होता है जिसपे 2 रंग होते हैं वो मिल जाए तो उसे पिला दीजिएगा, नहीं तो काले कुत्ते को जब भी आपको समय मिले समय समय पर दूध जरूर पिलाते रहना चाहिए। ये छोटे छोटे काम है, ये करना जरूरी है, गर्मी का मौसम है। पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, चींटियों को कसार खिलाइएगा, पक्षियों को दाना और पानी दीजिएगा, वो आपको दुआएं देंगे। अपने कर्मों को स्ट्रोंग करेंगे तो हमारी पूजा, हमारे उपाय भी हमारे काम आते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ भी लिखेगा लेकिन लिखेगा जरूर, ईश्वर आपकी मदद करे।